हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी शीट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, यह है किनेसियोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस पार्ट 3 है। जैसा कि दोस्तों मेरे चैनल पे सभी वीडियो सिलेबस के अकॉर्डिंग हैं, चाहे फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम्स TGT, PGT, UPLT, ग्रेड KVS, NVS, ऑल कम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए थ्योरेटिकल वीडियो एंड MCQs प्रीवियस ईयर के एंड चैप्टर वाइज MCQs सभी एक एक करके आपको प्रैक्टिस कराया गया है। मेरे चैनल पे आप जुड़ करके अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सकते हैं। और मध्य प्रदेश का जो फिजिकल एजुकेशन का टेट एग्जाम्स आया हुआ है, उसका प्रिपरेशन आप मेरे चैनल पे बेहतरीन ढंग से कर सकते हैं। तो दोस्तों, फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। तो चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चंस हैं, गति के प्रकार हैं। तो दोस्तों, गति के प्रकार हैं रेखीय गति, अनियमित गति, दोलनीय गति, वृत्तीय गति। ये सभी हैं गति के प्रकार। रेखीय गति मतलब एक सीधी लाइन में गति करना, अनियमित गति अनियमित तरीके से, दोलनीय गति जैसे एक झूला हो गया, दोलन करना, झूलना। एक वृत्तीय गति जैसे एक गोलाकार वृत्ताकार गति करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन के गति के तृतीय नियम को कहा जाता है। तो न्यूटन के गति के तृतीय नियम को कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, जिसके अनुसार हम जिस वस्तु पर जितना बल लगाते हैं वह वस्तु भी हम पर उतना ही बल लगाती है। जैसे कि बाल को दीवार पर फेंकना, जिस स्पीड से आप फेंकेंगे वो भी हमारे तरफ उतना ही स्पीड से आएगी। जैसे कि न्यूटन ने तीन गति के नियम दिए हैं, जड़ता का नियम, संवेग का नियम और क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। जड़ता के नियम को गलीलियो का नियम भी कहते हैं। नेक्स्ट है, किसी गतिमान वस्तु को रोका जा सकता है कैसे? तो इसको गुरुत्व के प्रभाव से और हवा के प्रतिरोध से रोका जा सकता है। दोस्तों, जैसे कि जो बल होता है वो दो प्रकार का होता है, बाह्य बल और आंतरिक बल। न्यूटन की गति के प्रथम नियम, जड़ता के नियम के अनुसार कोई वस्तु यदि विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहेगी, यदि गति कर रही है तो गति ही करती रहेगी जब तक कि उस पर कोई वाह बल न लगाया जाए। वाह बल में आपका गुरुत्व केंद्र, हवा का प्रतिरोध, घर्षण बल आदि आता है। जैसे आपने किसी गेंद को फेंका, वो गति कर रही है और कुछ दूर जा करके वो रुक जाती है। क्यों? क्योंकि उस पर वाह बल लगता है, हवा का प्रतिरोध, गुरुत्व केंद्र एंड घर्षण बल के कारण वह क्या होती है, रुक जाती है। अगर यह बल नहीं लगता तो हमेशा गति अवस्था में ही रहती। नेक्स्ट है, ब्रह्मांड में दो पिंडों के मध्य कार्य करने वाले बल को कहते हैं। तो ब्रह्मांड में दो पिंडों के मध्य कार्य करने वाले बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। यह बल किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है। नेक्स्ट है, यदि गतिमान वस्तु पर वायु का प्रतिरोध, घर्षण बल व गुरुत्वाकर्षण बल अनुपस्थित हो तो क्या होगा? ऐसे में जो वस्तु रहेगा वो सदैव गतिमान रहेगा। नेक्स्ट है, न्यूटन की गति के तृतीय नियम के उदाहरण है। तो इसका उदाहरण है तैराक का पानी को पीछे धकेलना, जिसके फलस्वरूप वह आगे बढ़ता है, एंड बंदूक से गोली छोड़ने पर पीछे धक्का लगना। यह है तृतीय नियम, क्रिया प्रतिक्रिया के नियम का एग्जाम्पल। नेक्स्ट है, निर्वात में स्वतंत्रता पूर्वक गिरते पिंडों का वेग होता है तो यह एक समान होता है। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति का पृथ्वी पर भार 10 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर कितना होगा? तो चंद्रमा पर इसका भार होगा 10 किलो। नेक्स्ट है, मानव शरीर को अक्षों में विभाजित किया गया है, अक्षों यानी एक्सिस में, तो 3 एक्सिस में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट है, मानव शरीर को तल में विभाजित किया गया है, तल यानी कि प्लेन, तो 3 प्लेन में विभाजित किया गया है, सेजिटल, फ्रंटल, हॉरिजॉन्टल।
नेक्स्ट है मानव शरीर के अक्ष यानी एक्सिस है, तो यह तीन एक्सिस में बांटा गया है, ऊर्ध्व अक्ष, पार्श्व अक्ष, समीपार्ध अक्ष। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे फ्रंटल अक्ष, फ्रंटल एक्सिस, सेजिटल एक्सिस एंड वर्टिकल एक्सिस। नेक्स्ट मानव शरीर के तल हैं यानी प्लेन, तो कितनी पलों में बांटा, प्लेन में बांटा गया है, समीपार्ध तल, पार्श्विक तल, अनुप्रस्थ तल। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे सेजिटल प्लेन, फ्रंटल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन। सेजिटल प्लेन जो होता है शरीर को दाएं बाएं भागों में बांटता है और गति आगे पीछे होती है जिसमें फ्लेक्शन एक्सटेंशन मूवमेंट होता है। एंड फ्रंटल प्लेन जो होता है जिसे क्रोनल या इंटीरियर पोस्टीरियर प्लेन भी कहते हैं, यह शरीर को आगे पीछे भागों में बांटता है और गति दाएं बाएं होती है यानी एब्डक्शन एडक्शन मूवमेंट होता है। तीसरा होता है सर्कमडक्शन मूवमेंट, सर्कमडक्शन प्लेन जिसे ट्रांसवर्स प्लेन भी कहते हैं, यह शरीर को ऊपर नीचे भागों में बांटता है और इसमें सभी घूर्णीय और चक्रीय गतियां होती हैं। नेक्स्ट है कोई वस्तु ऊपर की ओर फेंकने पर पृथ्वी पर वापस आ जाती है, क्यों? तो यह गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आती है, पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वस्तु को अपनी तरफ खींचती है, आकर्षित करती है। नेक्स्ट महान वैज्ञानिक गैलीलियो प्रसिद्ध है, तो वह जड़त्व के नियम के कारण प्रसिद्ध है, इसलिए जड़त्व के नियम को गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। जिस स्थान पर तीनों तल यानी प्लेन मिलते हैं उस स्थान को क्या कहते हैं, तो उसको कार्डिनल पॉइंट कहते हैं यानी सेंट्रल पॉइंट ऑफ ग्रेविटी बोला जाता है। नेक्स्ट है कार्डिनल पॉइंट को शरीर का क्या कहते हैं, तो कार्डिनल पॉइंट को शरीर का मध्य बिंदु यानी गुरुत्व मध्य बिंदु कहते हैं, सेंट्रल पॉइंट ऑफ ग्रेविटी। नेक्स्ट है मानव शरीर क्रिया आरंभ करने से पूर्व की स्थितियां हैं, तो पूर्व की स्थितियां हैं मूलभूत प्रारंभिक अवस्था तथा शरीर रचनात्मक या प्रारंभिक अवस्था। नेक्स्ट है एक ही आकार के लोहे के गोले और फुटबॉल में जड़त्व किसमें अधिक होगा, तो जाहिर सी बात है लोहे के गोले में ज्यादा जड़त्व होगा। नेक्स्ट है स्त्री और पुरुषों के गुरुत्व केंद्र में बिंदु होता है तो असमान होता है, दोनों में अलग अलग होता है, ठीक है। नेक्स्ट है स्त्री के शरीर में पुरुषों की अपेक्षा गुरुत्व होता है, तो वह स्त्रियों में जो गुरुत्व केंद्र होता है पुरुषों से नीचा होता है, जैसा कि नियम के अनुसार जितना ही गुरुत्व केंद्र नीचा रहेगा संतुलन उतना ही अच्छा होगा, तो स्त्रियों में पुरुषों से ज्यादा संतुलन होता है यानी संतुलन वाले खेल ये ज्यादा अच्छे से कर सकती है। नेक्स्ट गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षाओं में घूमने वाले आकाशीय पिंड है, तो जैसा कि आप सबको पता है पृथ्वी मंगल बुध बृहस्पति आदि आदि और ग्रह है। नेक्स्ट है संतुलित कहते हैं, तो संतुलन किसे कहते हैं, संतुलन वहां होता है जहां बलों का परिणामी बल शून्य होता है। नेक्स्ट है गुरुत्वीय त्वरण मान पृथ्वी के ऊपर जाने पर कम होता है। नेक्स्ट है गुरुत्वीय त्वरण जी का मान भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है मानव गति विज्ञान की परिसीमाएं हैं, तो इसकी परिसीमाएं हैं यांत्रिक परिसीमा यानी कि बायो इसकी परिसीमाएं हैं यांत्रिक परिसीमाएं यानी बायोमैकेनिक्स, दैहिक परिसीमाएं यानी फिजियोलॉजिकल एंड मनोवैज्ञानिक परिसीमाएं यानी साइकोलॉजिकल। ये मानव गति विज्ञान यानी कि फिजियोलॉजी की परिसीमाएं हैं। नेक्स्ट है गति विज्ञान लाभदायक है, यह सारी शिक्षा और खेलकूद में और सारी उपचार में सभी में लाभदायक है।
नेक्स्ट है दैनिक जीवन के कार्य जिसमें गति विज्ञान सहायक होता है वो कौन कौन सा होता है, जैसे कि उठना बैठना चढ़ना उतरना कूदना इन सभी में सहायक होता है किनेसियोलॉजी एंड गति विज्ञान। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे, जो भी डाउट होगा मुझे कमेंट में जरूर बताइए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर भी किया कीजिए और डेली बेसिस से बने रहिए मेरे चैनल पे फिजिकल एजुकेशन के सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की बेहतरीन तैयारी के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।